महाराष्ट्र के नागपुर में बीती रात हुई बारिश लोगों के परेशानी का सबब बन गई। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। नागपुर शहर के विविध क्षेत्रों में पानी भर गया है। इन सभी क्षेत्रों का जायजा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया। नागपुर शहर में बीती रात 3 घंटों में 110 मिलीलीटर बारिश हुई है, जिससे शहर में बाढ़ जैसी परिस्थिति बनी हुई है। शहर के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शहर के विविध क्षेत्रों में जायजा लिया। उन्होंने कहा, बीती रात भारी वर्षा हुई, जिससे शहर में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है, जिसका पंचनामा किया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार परिस्थिति की जानकारी ले रहे हैं। उनकी नजर इन परिस्थितियों पर बनी हुई है। देखिए, 2:30 बजे से 3 घंटे में 110 ml पानी गिरा है, बारिश हुई है। तो जो भी शहर में ऐसी स्थिति होती है, वो शहर में थोड़ा नुकसान होता है। आज मोरबोन में अम्बाजरी धर्मपेटी एरिया में जो नुकसान हुआ है, हमारी सारे प्रशासन की टीम, कॉरपोरेशन, कलेक्ट्रेट और माननीय देवेंद्र जी, हमारे सारे विधायक सारे स्थिति पे ख्याल देकर है। मुझे लगता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन करना था, वो सारे कर चुके हैं। कोई भी जान की नुकसान नहीं होनी चाहिए, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, ये इस पर हम सारा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा कोई भी अलर्ट आता है तो उस पर तुरंत जा रहे हैं। हम सारे साइट पर है और निश्चित रूप से जो नुकसान हुआ है, उसको नुकसान भरपाई भी मिलनी चाहिए। उसके तरफ भी पंचनामे वगैरह के काम चालू है। आज तो पहला है कि जो रेस्क्यू किए गए उनको संभालना, और ऑरेंज अलर्ट दिन भर है। आज दिन भर कोई घटना नहीं होना, इस पर हमारा पूरा ध्यान है। हम सारे लोग स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं और मुझे लगता है हम कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।